जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के परिणामों में भाजपा का दबदबा। वहीं जिला पंचायत के 14 वार्डों में से 10 वार्डों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के विजय की घोषणा जिला पंचायत रिटर्निंग अधिकारी एवं कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा जिला पंचायत सभागृह में जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देकर बधाई दी गई। दरअसल जिला पंचायत सभागृह में रिटर्निंग अधिकारी एवं कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा जिला पंचायत सदस्यों के सारणीकरण के बाद आधिकारिक घोषणा कर जिले के 14 वार्डों के विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देकर बधाई दी। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के सरपंच पंच जनपद जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के बाद जिले में भाजपा का परचम लहराया है। वहीं अब जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा इस पर निर्णय होना बाकी है। आगे की रणनीति अभी देखते हैं, लेकिन कितने बार से आप लगातार चुनाव जीते? मैं लगातार पांचवी बार हूँ। 2000 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी और जब से अभी जिला पंचायत पांचवी बार जीती। अभी सदस्य का चुनाव जीते हैं जी। क्या आगे जो अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की जा रही है, आप करेंगे अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी? अभी तो जो पार्टी जो निर्णय लेगी उसके आधार पे होगा। कि चुनाव परिणाम घोषित किए सर, किस वार्ड से कौन जीता है? बड़वानी के जिला पंचायत के 14 वार्ड हैं और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज जिला पंचायत के वार्डों का जो सारणीकरण होकर के जनप्रतिनिधि से आया था उसका मिलान करके सारणीकरण करके उसका परिणाम की घोषणा की गई है और जो विजयी प्रत्याशी हैं उनको सभी को निर्वाचन प्रमाण पत्र आज मेरे द्वारा उनको जारी किए गए हैं। आगे की प्रक्रिया किस तरह से रहेगी अध्यक्ष निर्वाचन? इसकी पूरी प्रक्रिया है, इसमें जो शासन स्तर से इसमें अभी सभी का नोटिफिकेशन होना है, इनका नोटिफिकेशन आज पूरा हमारी तरफ से चला जाएगा। पंच सरपंच का नोटिफिकेशन SDO की ओर से जारी होता है और जनपद और जिला पंचायत का नोटिफिकेशन जिला निर्वाचन अधिकारी की SSC मेरे द्वारा जारी किया जाना है। ये पूरी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को आज ऑनलाइन और ऑफलाइन पहुंचाई जाएगी। इसके बाद में जैसा भी जो निर्वाचन आयोग और शासन की ओर से डेट निर्धारित होती है आगामी कार्रवाई आपको बताई जाएगी। अगर सदस्य जो आज आए नहीं हैं इनको आगे किस तरह से प्रमाण? उनका जो प्रावधान है कि जो सदस्य नहीं आए यदि वो आज नहीं आते हैं तो हम उनको उनके जो निवास पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उनका प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।